नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे ट्रैवल स्पेस से एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से जो है फ्रंटियर मार्केट्स, और साथ में आप मिलेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट और मेंटर पद्मजा रूपरेल से। जब आप सुनते हैं ये शब्द रूरल इंडिया तो क्या आता है आपके ख्याल में? गांव, लोग चौपाल पे बैठकर चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन पूछिए हमारे स्टार्टअप चैंपियन से, उनको सब अलग दिखता है। उन्हें रूरल इंडिया दिखती है संभावनाओं की नगरी, इसलिए इन्होंने बनाया एक फिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि रूरल भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को ये पूरा कर सके। ये कहते हैं कि इनके इनिशिएटिव के कारण रूरल महिलाओं का जो एंटरप्रेन्योर नेटवर्क इन्होंने खड़ा किया है, जो इनके साथ काम करते हैं, उन्होंने आज तक 200 करोड़ से ज्यादा की इनकम की है और 3.5 मिलियन से ज्यादा लोगों से रिश्ता बनाया है। आइए देखते हैं फ्रंटियर मार्केट्स की कहानी। 17 साल पहले जब मैं अमेरिका से आई थी, 20 साल की उम्र थी मेरी, और हर जना मुझे सोच रहा था कि कहाँ से है ना बाहर अमेरिका वाली आएगी और ना गांव में बसेगी और गांव के लिए कुछ करके दिखाएगी। लेकिन एक उद्देश्य था, एक अंदर से एक ख्वाहिश थी, एक जोश था कि अगर मुझे भारत के लिए कुछ करना है, भारत को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। कॉलेज से ग्रेजुएट करके मैं सीधा जब इंडिया आई तो मैंने माइक्रो फाइनेंस में काम करना शुरू करा और वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं फ्रंटियर मार्केट के साथ 1.5 साल से जुड़ी हूँ। ऑनलाइन सारा सामान घर पर मंगा देते हैं और कोई डिलीवरी चार्ज वगैरह भी नहीं लगता, इसमें आने जाने की दिक्कत खत्म हो जाती है। जब मैंने, मेरे को ये सहेली ऐप मिला था तो उसमें मुझे सर गूगल फॉर्म भरने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे उनको जोड़ना है, तो उसमें एक फॉर्म भरा जाता है, उसमें पूरे जो भी कस्टमर होता है उसके पूरे परिवार की डिटेल भरी जाती है, उसमें उसके मेंबर कितने हैं घर में, सामान भी क्या क्या है उसके घर में, क्या चीज़ नहीं है, क्या है, हर चीज़ की उसमें डिटेल फिल करी जाती है। मैंने शुरू जब काम करा था कोई आइडिया नहीं था कि ये जो सोल्यूशन था ये चलेगा, कोई आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी, 350 लोग मेरे अंडर हैं, 20,000 महिला को एक एंटरप्रेन्योरियल मौका मिला है, 6 से 7 करोड़ लोग की जिंदगी बदल गई और एक अलग तरीके से हमने एक बिजनेस बनाया है। अजयता, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू। आपने इतनी बड़ी आज एक कंपनी बना ली है, आपका ये जो ऑपरेशन है इसको आप फिजिटल कहती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है क्योंकि आप कहीं से सामान लेकर कहीं दूर दराज के क्षेत्र तक लेकर जा रही हैं, हमें ये फिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कैसे क्रिएट किया उसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो एक चीज अपन को समझना है कि जो अपन के गाँव के जो लोग हैं उनके पास आज उनके हाथ में स्मार्टफोन आ चुका है जी, इंटरनेट आ चुका है, लेकिन अभी भी वो हिचकिचाते हैं कि वो अकेले है ना फोन को यूज करें और ना खुद है ना कुछ ऑर्डर करें और कुछ है ना पैसे दें और कहीं ना कहीं से सामान आए। और इसका चैलेंज मैं आपको बताऊं 2 वजह के हैं। एक तो जो गांव के लोग हैं वो ज्यादातर के बाजारी लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि है ना किसी से बात करें जिससे वो कुछ खरीदारी करें, उस पर भरोसा रखें और जो सामान आएगा वो उनके घर के द्वार तक आ जाए। लेकिन जो सामान आज अवेलेबल है उनके उनके आसपास है वो सामान उनको नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी चीजें चाहिए, उनको है ना उनके सारे जो तकलीफें हैं उनके लिए कुछ हल चाहिए, वो सारी चीजें 30, 50, 100 किलोमीटर की दूरी में होता है। तो हमने क्या करा कि हमने कहा कि चलो इसका हल कैसे निकाले, एक तो खुद है ना ब्रांचेस खोले, वेयर हाउसेस खोले और वहां पर है ना जो सामान की जो जरूरतें हैं उसको लगा करके किसी को बोले कि तुम घर के द्वारा वो सामान भेजो। दूसरा, आप किससे बात करना चाहते हो, किससे आप सवाल करना चाहते हो, किसको आप समझना चाहते हो, तो ये महिला होती है जी। तो हमने फिर कहा कि महिला को हम हमारे अंडर लेके आते हैं और उसको एक मौका देते हैं ताकि वो है ना एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, खुद की दुकान खोल ले जी। और उसको और उसकी दुकान के द्वारा वो सारे उसके कस्टमर्स को है ना एक मौका दे ताकि वो शॉपिंग कर पाए। ये आपका फिजिकल हो गया। डिजिटल इस पे हुआ कि सारा पूरा जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है वो एक टेक प्लेटफॉर्म पे चलता है, तो हमारी सारी जो महिला है वो एक्चुअली उनके स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, उनके पास खुद का एक ऐप है मेरी सहेली ऐप, जिससे वो लिटरली हर चीज इंफॉर्मेशन डाल सकती है, हर लोग को ना सामान दिखा सकती है, उनका डेटा दिखा सकती है और उनको मदद करती है कि वो ना उनकी शॉपिंग करवा दे। तो ये आपका
फिजिटल हो गया, या फिर सारा पूरा हमारा जो ऑपरेशन है वो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और वो टेक्नोलॉजी पे बसा हुआ है। आप अपनी सारी महिला एंटरप्रेन्योर्स को कहती हैं जीवन सहेली, सही? ये जो सहेली आपने बनाई है, राइट, एक तो ये कितनी ऐसी महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं आज पूरे भारत देश में, एक तो वो बताइए, और दूसरा ये एक्चुअल काम क्या करती हैं? तो सरल जीवन सहेलियां हैं जी, और सरल जीवन इसलिए क्योंकि हमने कहा कि सारे हमारे जो किसान की जो परिवार है जी, उनके जीवन में काफी मुश्किलें आती हैं जी, तो हमारी सहेलियों का एक ही मकसद है, वो है कि उनका जीवन को सरल बना रहे, सरल जीवन सहेलियां। आज हमारे पास 30,000 ऐसी महिला हैं जिनको हमने एक मौका दिया है कि वो सरल जीवन सहेली बने। उनका काम जो है वो बहुत सिंपल है, वो जिस गांव में रहती है जहाँ पर उनकी पूरी जान पहचान है, जिनके उनके पूरे परिवार, उनके दोस्त, उनके पूरा जो कम्युनिटी है उनके साथ वो बातचीत करती है, उनके साथ वो डेटा कलेक्ट करती है, उनको वो सामान दिखाती है और उनके लिए वो ऑर्डर प्लेस करती है, और उनकी वजह से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आता है और उससे हम लोग फिर डिलीवरीज कर पाते हैं। तो आज हमारी जो सहेलियां हैं वो पैसे कमाती हैं उनके सेल्स पे, और वो पैसे भी कमाती है जब वो डेटा कलेक्ट करती है, क्योंकि उनने एक अलग तरीके से पूरे जो गांव वाले की जो आवाज है, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो अब वो लिटरली वो स्पीकर फोन बन चुकी है उनके लिए जी। और उस तरीके से वो खुद का भी जीवन सरल बनाती है पैसे कमा करके, और पूरे गांव का भी भविष्य बदल दे। आज जो ये डेटा कलेक्ट कर रही है, क्या इनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे काम करना? जब उनसे मिलते हैं तो उनको 3 दिन की ट्रेनिंग मिलती है। हमने जो ये ऐप बना रखा है, ये ऐप लिटरली मारवाड़ी में है, हिंदी में है, मतलब लोकल लैंग्वेज में है जी। और इसमें एक हमने ट्रेनिंग बॉट डाल रखा है, तो लिटरली वो खुद भी खुद को सिखा सकती है कि उसको क्या क्या काम करना है, और ऑफ कोर्स वो हमसे भी पूछ सकती है क्योंकि हम है ही उसके लिए वहां पर, उसके साथ उसके पूरे जर्नी में लेके जाने के लिए। हमारी जो सहेलियां हैं उनको गांव गांव में भटकने की कोई जरूरत नहीं है, जिस गांव में वो रहती है उसी गांव में जो 50 से 100 घर के उनके नजदीकी पास में है उनसे ही वो मिलती है और ये सारा काम करती है। और आज वो ये गर्व से बोल सकती है कि मेरे वजह से 100 घर के जीवन सरल बन चुका है, आज लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं क्योंकि मैं उनकी ना इच्छाएं पूरा करती हूं। कमाल की बात है, वाह। सो फ्रंटियर मार्केट्स के कारण देखिए बहुत इंपैक्ट तो क्रिएट हुआ है, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन क्या हुआ है हमें आप कुछ नंबर से बताइए। तो आज हमारे पास लगभग 6.5 करोड़ गांव वाले हैं, घर वाले हैं, और ये सारे किसान के जो परिवार है वो हमारे पूरे प्लेटफॉर्म पे है जी। तो आज 20,000 महिला ने 200 करोड़ से ज्यादा कमाई करी है, लेकिन जो 6.5 करोड़ घर जो हैं उनके पास 20 लाख से ज्यादा सॉल्यूशंस उनके घर में आए हैं, और ये सॉल्यूशंस आपके किसान का काम है, डिजिटल पेमेंट्स है, आपको है ना क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चाहिए, सोलर लाइट्स चाहिए, आपको है ना कोविड के टाइम पे दवाइयां चाहिए, आपको है ना सैनिटरी नैपकिन चाहिए, हर चीज की जो जरूरत है वो उनके पास पहुंच चुकी है। तो उस वजह से उनकी सेविंग्स हुई है, उनकी कमाई हुई है, उनकी आवाज पूरे देश में आई है, और उस वजह से अब काफी कंपनी जो है उनको फाइनली समझ में आ रहा है कि हमारे जो गांव के जो परिवार है वो एक्चुअली बड़ा मार्केट है, और उनकी आवाज सुनने से हम एक तरक्की कर सकते हैं। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप पैसा कैसे बनाते हैं? देखिए हम एक प्लेटफॉर्म है और हमारा एक ही मकसद है, वो है कि कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती है, जो सर्विसेज क्रिएट करती है, उनको एक नया मार्केट दें, तो हम कनेक्ट करते हैं उनको जी। और उस तरीके से जब हम कनेक्ट करते हैं तो सेल्स होती है, तो जो भी सेल्स होती है उसका हम एक मार्जिन लेते हैं। दूसरा एक जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, आज ना बहुत सारी कंपनियां इंडिया में, बाहर में, पूरे दुनिया में वो जानना चाहते कि ये गांव वाला है कौन, नहीं समझ में आता कि कौन है, उनकी ख्वाहिशें क्या है, हम इनके लिए कैसे है ना सॉल्यूशंस बनाएं। तो डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं उस वजह से हम इनसाइट्स क्रिएट करते हैं, और उसके लिए फिर हमें मार्केटिंग फीस मिलती है। तो आज बड़ी से बड़ी कंपनीज हमें बोलते कि अजय तक तुम हमें बताओ कि हम कैसे पानी का सॉल्यूशन लेके आए गांव में, तो उसके लिए हमें पूरा पायलट करते हैं, और वहां पर हमारी सहेली भी कमाई करती है और हम भी कमाई करते हैं। आपका क्या संदेश है अपनी सहेलियों के लिए और सारे के सारे ऐसे लोगों के लिए जो आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? मैं एक ही चीज बोलूंगी कि जो भी आप करेंगे लाइफ में वो पूरे जज्बे से करिए,
होश आवाज से करिए, थोड़ा है ना धीरे चलिए और तैयार रहिए कि ये जो रास्ता और जो मोड़ पे आप जा रहे हो वो आसान नहीं होगा, वो बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन खुद पे भरोसा करिए कि आप वो उस मुश्किलों को पार कर सकते हो क्योंकि आपने वो दम है जी। काम करने के लिए। और जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कस्टमर की प्लीज आवाज सुनना और आपका मार्केट समझना। इस सेशन से आपके फायदे की है दो बड़ी बातें अब इस प्रकार। सबसे पहली, भारत के उभरते क्षेत्र गांव केवल तैयार ही नहीं है, वो तैयार है हुंकार भरने को, वो तैयार है अपनी आकांक्षाओं के पैरों से उड़ने को। नंबर दो, जब आप एक महिला को आगे बढ़ाते हैं तो उसका पूरा परिवार और उसके आसपास का समुदाय भी आगे बढ़ता है। इसको बहुत ध्यान से समझिए, यही किया हमारी स्टार्टअप चैंपियन ने भी। अब लेते हैं हम अपने ऑडियंस का सवाल, तो आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल हमारी स्टार्टअप चैंपियन से। मेरा सवाल है कि क्या सभी वेयरहाउसेस आपके अपने हैं और क्या लास्ट माइल डिलीवरी करने वाले सारे आपके एम्प्लॉयज हैं? तो पहला तो वेयरहाउसेस जो हम बनाते हैं वो हम हमारे खुद के नहीं है, हम एक्चुअली वो रेंट पे लेते हैं क्योंकि हम स्टॉक नहीं रखते हैं हमारा, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर इसलिए होता है क्योंकि सारी जो बाहर की कंपनियां हैं जयपुर से, दिल्ली से, बॉम्बे से, जो भी, उनको कहीं ना कहीं डिलीवरी तो करनी पड़ेगी और वहां पर जो डिलीवरी होती है फिर हम उसको है ना पैक करके ऑर्गेनाइज करके डिलीवरी तैयार करते हैं। तो दूसरा जो सवाल है, जो लास्ट माइल जो डिलीवरी है, जो घर के द्वारा हम प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, जहाँ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो हमारे खुद के स्टाफ है। आज हमारे पास 300 ऐसे स्टाफ है क्योंकि हमारा एक ही मकसद था कि अगर कोई घर वाला एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है उसको 2 दिन के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए उसके घर के द्वारा। तो वो करने के लिए आपको खुद का सिस्टम बनाना पड़ता है और ये सारे जो लोग हैं पूरे हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। फैंटास्टिक। समय है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे एक स्पेशल मेहमान से, ये मेंटर है बहुत सी स्टार्टअप्स के लिए और भारत की जानी मानी इन्वेस्टर भी है। मिलिए मुझसे अब इस ब्रेक के बाद। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बनें, उत्तर प्रदेश में निवेश करें, नए भारत का ग्रोथ इंजन। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित, बार बार डिटेल भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर ओके बाय। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बनें, उत्तर प्रदेश में निवेश करें, नए भारत का ग्रोथ इंजन। आपका स्वागत है एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब समय है हमारी स्पेशल मेहमान से मिलने का। मैं स्वागत करता हूं पद्मजा रुपयाल जी का। पद्मजा को-फाउंडर हैं इंडियन एंजल नेटवर्क की, ये IIM फंड की फाउंडिंग पार्टनर भी हैं। इनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में, M&A में, स्टार्टअप्स और अर्ली स्टेज कंपनियों में। इनको टॉप 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है एक बड़ी बिजनेस मैगजीन के द्वारा। पद्मजा को-चेयर है ग्लोबल बिजनेस एंजल नेटवर्क की, इन्होंने टाई दिल्ली की भी शुरुआत की थी। पद्मजा आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। शुक्रिया। आप एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, एक मिडिल क्लास परिवार से, वहां से लेकर आज तक आपने जो अपने जीवन में अचीव किया है, आज बहुत सारे भारतीय जो आपको आज सुनेंगे आपसे सीखेंगे जरूर बहुत कुछ।
आप दो या तीन ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपने क्या सीखी जिसके कारण आप अपने जीवन में जो बना पाए वो आप आपने जो करके दिखाया वो आज ये भारतीय सीख पाए। एक तो जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई और वो करना जरूरी था मेरे लिए, नहीं तो मैं खुशी नहीं होती। और दूसरी कि मैं कंपटीशन में अपनी कंपटीशन खुद ही हूँ। सो उसके द्वारा क्या होता है कि आप हर स्टेप लेते हो और दूसरे सुबह बोलते हो कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे, तो ये डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करता है और आपको आगे बढ़ने की प्रोत्साहन देता है। पहला एंजल नेटवर्क ऑफ कोर्स IAN जिसकी शुरुआत आपने की, तो लिटरली एंजल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप लोगों से हुई। अब जहां पे हम हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भारत में पेशेंस कैपिटल नहीं है, यानी ऐसा पैसा जो 7, 8, 10 साल तक लगा रहे और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता रहे। आपका क्या कहना है इस पर? एंजल इन्वेस्टमेंट इंडिया में, भारत में हमने शुरू किया, वर्ल्ड में था ऑलरेडी। और यहाँ पे हमने जब शुरू किया 15 साल पहले, तब एंजल इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम काफी अमीर लोगों के पास जाके मैं बात करती थी तो वो बोलते थे कि इन्वेस्टमेंट तो पद्मजा समझ में आ गया कि तुम रिटर्न्स दोगी, तुम हमें कैपिटल वापस दोगी और उसके ऊपर भी कुछ मुनाफा दोगी, पर ये धर्म की बात कहाँ से आई? तो उनका ये लेवल था उस कॉन्सेप्ट का, तो उसको आप बढ़ा बढ़ा के ये 10-15 साल में अब वो जाके एसेट क्लास बना है। तो यदि आप पूछते हो कि तो हमारा जो देश में इन्वेस्टर्स है वो काफी नए हैं कंपेयर टू आप कहीं भी वर्ल्ड में देखिए, स्पेशली US में जाइए, तो ये काफी नया है। तो लोगों ने अभी पूरी साइकिल, बहुत लोगों ने पूरी साइकिल पूरी नहीं की है। तो एक तो ये बहुत रिस्की है, आप एकदम स्टार्टअप के लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा कि इसमें कोई डिविडेंड नहीं है, इस पे आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते हो शेयर्स को, तो आपको थोड़ी तो वो हमेशा नर्वसनेस रहेगी कि क्या होगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और जब तो ये जो नर्वसनेस होती है वो पेशेंस टेस्ट करती है, तो वो जरूर है। पर यदि हम ये भी देखें लास्ट 5-6 साल में अब देखें, तो जो डेफिनेशन गवर्नमेंट ने बनाया है स्टार्टअप्स का, वो पहले शुरू हुआ था कि 7 साल स्टार्ट का डेफिनेशन था कि स्टार्टअप 7 साल का होगा, फिर उन्होंने 10 साल किया, तो वो एक बहुत बड़ा मार्क है कि पेशेंस बिल्ड कर रहा है और एक पेशेंस का मैसेज भी दे रहा है स्टार्टअप को भी और इन्वेस्टर्स को भी। दूसरी बात ये है कि पहले आप बायोटेक, फार्मा, हेल्थ केयर वगैरह में आपको स्टार्टअप्स दिखते ही नहीं थे, आपको वहां फंडिंग होती नहीं थी, सब बाहर निकल जाते थे स्टार्टअप्स। आज वो शुरू हो गई है पोस्ट पैंडेमिक, तो और भी शुरू हो गई है। और ये जो एक सेक्टर है हेल्थ केयर, बायोटेक वगैरह का, उसमें बहुत जेस्टेशन पीरियड होता है, देर लगता है उसको, पर लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम IAN में सेक्टर एग्नोस्टिक है और हमें बायो एंजल्स शुरू करना पड़ा क्योंकि उसमें उस सेक्टर के इन्वेस्टर्स को लाना है, उनको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो हमें एक सेक्टर, इंडिया का पहला सेक्टर फोकस्ड एंजल ग्रुप शुरू किया। तो मेरे ख्याल से ये जो पेशेंस की बात है वो आस्ते आस्ते भी हम लोग रास्ते पे हैं कि वो ज्यादा मैच्योर हो जी। और लास्ट ये जरूर बोलूंगी कि इन्वेस्टर्स का जो पेशेंस है वो एक और चीज पे भी निर्भर करता है कि भाई नेक्स्ट राउंड कौन लाता है। यदि वो इन्वेस्टर ना हो तो उनको इम्पेशेंस जरूर होगी। बिल्कुल होगी। बिल्कुल सही। तो देखिए आजकल हर चीज ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया के कारण हर चीज ट्रेंडिंग है। आप किन ट्रेंड्स को फॉलो कर रही हैं? आप कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं? मेरा 70% वेटेज जाता है एंटरप्रेन्योर्स पे, फाउंडर्स पे, क्योंकि मेरा कहना ये है कि क्लास ए फाउंडर्स विद अ क्लास बी आइडिया, वो क्लास ए आइडिया और क्लास बी फाउंडर्स से कहीं ज्यादा बढ़ा पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा होता है। तो हम इस पे ज्यादा वेटेज दे रहे हैं क्योंकि वो फाउंडर्स है, उनको कस्टमर को क्या चाहिए, उनका प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं है, वो डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो टीम बना पाएंगे कि नहीं, वो टीम को लीड कर पाएंगे कि नहीं, वो सब पे निर्भर करता है। क्योंकि स्टार्टअप जब आप शुरू करते हो और जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, उसमें दो ही चीज की जरूरत होती है, एक तो फंड्स जी और दूसरा एंटरप्रेन्योर। जब दोनों इकट्ठे मिलेंगे और तब जाके स्टार्टअप बनता है। बिल्कुल सही बात। एक इन्वेस्टर होने के नाते आपके लिए पेडिग्री कितनी जरूरत है, जरूरी है, और पेडिग्री में से मैं पेट हटा देता हूँ, डिग्री कितनी जरूरी है वो बताइए। यदि आप डीप टेक, साइंस
या बायोटेक जैसे कुछ करते हो, डीप टेक करते हो, साइबर सिक्योरिटी टाइप करते हो, तो उसमें एकेडमिक्स और डिग्री की जरूरत है, क्योंकि वो आपको साइंस समझना है और तभी आप जाके उसके ऊपर बिजनेस बना पाओगे। तो वहां डिग्री की अहमियत काफी है, टू बी ऑनेस्ट। पर यदि आप एग्जीक्यूशन प्ले कर रहे हो, जो हम बोलते हो कि कंज्यूमर ब्रांड्स बनाओ, या यू नो आप फूड का स्टार्टअप कर रहे हो, खाने का स्टार्टअप कर रहे हो, तो उसमें डिग्री की अहमियत कम हो जाती है, पर आपके जज्बे की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि फिर आपको लीड करना है, आपको उसको बिजनेस को बढ़ाना है और बनाना है और बढ़ाना है, तो वहाँ आपके जज्बे की, आपके लीडरशिप की, आपकी एबिलिटी टू आप स्टार्टअप करो, उसकी जो मुश्किलात हैं उसको सहन करने की, वो अलग हो जाता है। तो डिग्री की भी जगह है और नहीं भी है। नहीं भी है। लाखों भारतीय बंधुजा इस वक्त आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ये वो भारतीय हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अंदर आग है, एम्बिशन भी है, आकांक्षाएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में ये सब कुछ क्रिएट किया है, कि अब वो क्या करें, तो आपके लिए आपका क्या संदेश है इन सबके लिए? मैं तो यही बोलूंगी कि जो आप करना चाहते हो वो जरूर करो, अपने जज्बे के साथ, अपना दिल दिमाग और मन लगा के करो, तभी जाके आप सक्सेस होंगे, जो भी आप करना चाहते हो। तो मेरे ख्याल से वही चीज है जो ड्राइव करती है हर इंसान को। तो दिल दिमाग और मन, अगर तीनों चीजों को जोड़ देंगे तो आप पद्मजा बन जाएंगे, ये बात पक्की है। समय है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लेंगे 26वां और आखिरी कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का 26वां कदम। मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें, नए भारत का ग्रोथ इंजन। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें, नए भारत का ग्रोथ इंजन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, आपको तो पता ही है। अब लेते हैं 26वां कदम हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का, ये है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना बिजनेस छोड़ के बाहर भाग जाइए, लेकिन एग्जिट एक इम्पोर्टेंट कदम होता है, एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होता है आपके बिजनेस के लिए। अभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले ध्यान रखिए इन दो बातों का। सबसे पहली, एग्जिट कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती बिजनेस में। नंबर दो, अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो इन चार तरीकों को बहुत ध्यान से समझिएगा। नंबर वन, सबसे पहला IPO, दूसरा ऑल कैश या स्टॉक बायआउट, तीसरा M&A, इसका मतलब है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, और चौथा एक्वी हायरिंग। इसको समझते हैं। बिजनेस बनाइए एग्जिट करने के लिए नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए। एग्जिट सिर्फ एक लिक्विडेशन इवेंट होता है, यानी एक ऐसा समय जब आप अपना थोड़ा स्टेक बेचकर ढेर सारा पैसा बनाते हैं अपने बिजनेस से। चारों एग्जिट के तरीके जो मैंने आपको बताए, जिनके बारे में आपको अभी पता चला, आप उनको समझिए इस तरीके से कि इन चारों तरीकों का अलग अलग परिणाम होता है।
आईपीओ से आप पब्लिक के पैसे के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। पब्लिक पैसा लगा रही है आप पर भरोसा करके। बायआउट ज्यादातर तब होता है जब आपके पास कोई आईपी हो या कोई टेक्नोलॉजी या कोई नेटवर्क जो किसी और के लिए ज्यादा कीमती है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी। ये स्ट्रेटेजिक भी होता है और फोर्सफुल भी। ये इसलिए होता है ताकि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर पैसा बना सके। एक्वी हायरिंग तब होती है जब किसी फाउंडर के पास जोश तो है, विजन भी है, अच्छी टीम भी है, लेकिन वो अच्छा बिजनेस नहीं बना पाते। आपकी टीम और स्किल्स को कोई और वैल्यू दे देता है, इसी को कहते हैं एक्वी हायरिंग। ध्यान रखिए, बिजनेस आपकी विरासत है, इसको लंबे समय के लिए बनाइए। दुनिया बदलना इतना आसान नहीं है। दुनिया बदलने के लिए आपको बिजनेस अगर बनाना है ना, तो इसको अपनी विरासत समझकर बनाइए और एग्जिट लेना सिर्फ एक माइलस्टोन की तरह देखिए, इसको एक स्ट्रेटजी मत समझिए। आज आखिरी एपिसोड है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण का। ये पूरी सीरीज बनाना हम सबके लिए एक स्टार्टअप की तरह ही था। दिन और रात हमारी टीम ने मेहनत करके सभी एपिसोड्स को बनाया है बहुत प्यार से, ताकि आप केवल स्टार्टअप्स की कहानियां सुने ही नहीं बल्कि उनसे सीख लें और इंप्लीमेंट करें अपनी स्टार्टअप में। आज की दुनिया में बहुत शोर है, इसलिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे करोड़ों भारतीय युवाओं को प्रेरणा तो मिले ही, साथ ही उनको अपनी स्टार्टअप करने के लिए सही दिशा मिले, जिससे आपकी दशा सही हो। इसलिए हमने एक ऐसे सेगमेंट को जोड़ा जिसको हम कहते हैं हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। मुझे विश्वास है कि आप सभी स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत का नाम भी रोशन करेंगे और विश्व पटल पर अपनी स्टार्टअप से बहुत बड़ा एक अंजाम देंगे, अपने भविष्य के लिए भी और भारत के भविष्य के लिए भी। अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए और हमें बताइए कि आपने क्या सीखा आज के एपिसोड से। सोशल मीडिया पर यूज कीजिए #StartupChampions2। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्टार्टअप चैंपियन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक